16 मार्च 2022 बुधवार जापान के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर एक भूकंप हुआ है। रिक्टर स्केल पे इस भूकंप का जो तीव्रता है वो है 7.3। जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK ने बताया है अभी तक 4 लोग मर गए हैं और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। वो लोग ये भी बताया है कि इस भूकंप की वजह से जापान में सुनामी भी हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाने वाली जो कंपनी है रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, वो लोग बताया जापान के और भी कई तीनों जगह पर इस भूकंप का जो नुकसान है उसका जांच अभी तक जारी है।